जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुर्ग जिले के मंदिरों के बारे में। तो दुर्ग जिला, जैसे हम सभी को पता है, अपनी शैक्षणिक दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी जाना पहचाना है। शैक्षणिक दृष्टि से कहा जाए तो यहाँ पे साक्षरता दर अति उच्च है, साथ ही साथ यहाँ पे अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और छोटे मोटे तकनीकी संस्थाएं बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे अपने को। और बात की जाए उद्योगों की, तो भिलाई स्टील प्लांट का नाम ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। भारत में इन्होंने इतना लोहे का उत्पादन किया है कि पृथ्वी के यदि 9 चक्कर लगाए तब भी वो जो लोहा का उत्पादन है वो कम पड़ जाएगा। पृथ्वी को ये 9 बार जो है घूम सकता है, इतना लोहा इन्होंने जो है उत्पादन करके रखा हुआ है। बट हमारा आज मेन उद्देश्य है दुर्ग जिले के मंदिरों के बारे में जानना, जो ऐतिहासिक मंदिर है उनके बारे में, साथ ही साथ वर्तमान में जो महत्वपूर्ण मंदिर है या वर्तमान युग में जो मंदिर बने हैं उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले, जैसे सबको पता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो दुर्ग जिला पूर्व की ओर हमारे पड़ेगा यहाँ पे क्या, रायपुर। पश्चिम की ओर पड़ेगा दुर्ग जिला के राजनांदगांव। उत्तर की तरफ हमारा पड़ेगा बेमेतरा और दक्षिण की तरफ पड़ेगा हमारे दुर्ग जिले का बालोद जिला। अब बात करते हैं मंदिरों के लिए, तो हमें एक सड़क पकड़नी होगी। सड़क कौन सी है यहाँ से जो निकलती है, नेशनल हाईवे नंबर 53, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53, जिसको GE रोड भी कहा जाता है। ये रोड महाराष्ट्र से कलकत्ता तक जोड़ती है, महाराष्ट्र से बंगाल को जोड़ती है। सबसे ज़्यादा खनिज अगर बोला जाए, ट्रांसपोर्ट यहीं से होता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला यही वाला हमारा जो राजमार्ग है हमको मिलेगा। बात करेंगे, जैसे हम पश्चिम से आना शुरू करते हैं राजनांदगांव से और दुर्ग की सीमा के पास आते हैं, तो हमें एक शहर मिलने वाला है। शहर का नाम होगा नगपुरा, एक छोटा सा ग्राम भी बोल सकते हैं। एक लोकेशन मिलेगी हमको क्या, नगपुरा। नगपुरा में हमको क्या मिलने वाला है, तो नगपुरा में हमको मिलेगा पार्श्व तीर्थ। इसको पार्श्वनाथ तीर्थ भी कहते हैं, पार्श्व तीर्थ भी कहते हैं। प्राचीन नाम नगपुरा का है पारस नगर। यहाँ पे हमें पार्श्व तीर्थ देखने मिलेगा, जिसको हम नागदेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बारे में क्या खास बात है, तो यदि इसके बारे में इतिहास पे जाएं तो कलचुरी शासक एक होते हैं शंकरगढ़, उनके पर पोते रहते हैं गज सिंह। गज सिंह द्वारा नगपुरा में या पारस नगर में, जिनका प्राचीन नाम है पारस नगर, यहाँ पर पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा स्थापित की जाती है। और प्रतिमा स्थापित करने के बाद वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि ऐसे ही 8 प्रतिमा मैं और यहाँ पर लगाऊंगा, यदि मेरे द्वारा नहीं हो पाया तो मेरे वंशज आगे के वो इस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे और वो लगाएंगे। तो इनके बाद, गज सिंह के बाद, इनके पर पोते जगत सिंह, जगत सिंह द्वारा नगपुरा में पार्श्वनाथ की 8 प्रतिमाएँ और लगाई जाती हैं। जब यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई होती है तो यहाँ से पार्श्वनाथ की 15 मूर्तियां जो है प्राप्त होती हैं। अब हमें कैसे पता कि ये पार्श्वनाथ की ही प्रतिमाएं हैं, तो जैसे हम सभी जानते हैं जो जैन मुनि होते हैं, जैन तीर्थंकर होते हैं, सभी के साथ उनका एक विशेष चिन्ह रहता है, विशेष जीव का चिन्ह रहता है। तो जो पार्श्वनाथ थे उनका जीव का चिन्ह था नाग। तो यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं मिली हैं वो नाग सर्पों द्वारा घिरी हुई मिली हुई है, मतलब नाग सर्प की भी प्रतिमाएं साथ में हैं। तो जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये प्रतिमाएं जो हैं पार्श्वनाथ की हैं, जो जैन तीर्थंकर थे। जैनियों का ये हमारा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो जाता है। अब नाग के 7 प्रतिमाएं मिली हैं, इसलिए इसको नागदेव मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर जो है 3 स्तरों पर बना हुआ है, 3 मंजिला मंदिर है। यदि बोला जाए किस काल का है तो कलचुरी कालीन ये मंदिर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे, पूर्व की तरफ जैसे हम आते हैं, तो एक स्थान और पड़ेगा दुर्ग और भिलाई के पश्चात पड़ेगा, नाम रहेगा देवबलूदा। तो देवबलूदा में भी शिव मंदिर है। ये भी शिव मंदिर कलचुरी कालीन है, 9 रंग शैली पे बना हुआ है, 9 रंग मंडप शैली पे बना हुआ है। पूर्णतया यह पत्थरों से निर्मित है। इसकी महत्ता आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि इसके संरक्षण के लिए खुद केंद्र सरकार जिम्मा लेती है और इसे केंद्र संरक्षित स्मारक का दर्जा देती है। तो यदि बोला जाए दुर्ग जिले में कोई केंद्र संरक्षित स्मारक है क्या, तो देवबलूदा का शिव मंदिर हमको मिलेगा। यदि हम आगे बढ़ें इसी पे, तो हमें एक स्थान मिलेगा तितुर घाट या बानावरत। यहाँ पर चतुर्भुजी विष्णु मंदिर मिला हुआ है, जिसका निर्माण महाराष्ट्र मराठा कालीन कहा जाता है, या महाराष्ट्र के शासकों द्वारा किया गया था। तो मराठा कालीन शासकों ने या मराठा शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। वैसे बानावरत की बात की जाए तो बानावरत फेमस होता है हमारा प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों के लिए या पुरातात्विक हमारे स्मारकों के लिए। यहाँ पर गुप्तकालीन 9 सिक्के मिलते हैं सोने के, जो यहाँ से प्राप्त होते हैं। यदि चतुर्भुजी विष्णु मंदिर के पास की बात की जाए तो यहाँ पर एक कुंड मिलेगा, जिसको कोकुंड कहा जाता है, जो इसको आप मेरे पीछे देख सकते हो, इसको हम छोटा कर देते हैं।
इस गोकुंड की खास बात ये कही जाती है कि यदि आपसे किसी भूलवश या आपसे कभी गो हत्या हुई है, तो जो गो हत्या का पाप लगता है, उस पाप से यदि आपको मुक्त होना है, तो आप इस कुंड पर आकर स्नान कर लीजिए, आपका वो पाप जो है धुल जाएगा। तो ये एक आस्था का केंद्र बना हुआ है बानाबरत क्षेत्र पे। यदि हम आगे बढ़ेंगे दुर्ग जिला में, तो एक और प्राचीन कालीन मंदिर मिलेगा जो धमधा में है, शिव मंदिर। शिव मंदिर धमधा का जो है, ये भी एक प्राचीन कालीन मंदिर है। तो कुल इतने मंदिर हैं जो दुर्ग जिले में प्राचीन काल में निर्मित है या प्राचीन स्मारक के तौर पे हम इनको देखते हैं। यदि आगे की बात की जाए, हम जैसे आगे बढ़ेंगे आधुनिक काल की तरफ, तो आधुनिक काल में हमको एक स्थान मिलेगा, नाम है दुर्ग और रायपुर जिले के बीच में पड़ने वाला कुम्हारी। तो कुम्हारी एक छोटा सा नगर है जो आपका दुर्ग और रायपुर के बीच में पड़ता है। आप ऐसे बोल सकते हैं दुर्ग की सीमा का अंतिम नगर है ये कुम्हारी, पूर्वी सबसे एरिया में आ जाएगा कुम्हारी। कुम्हारी पर भी हमको दो आधुनिक मंदिर मिलते हैं आधुनिक काल के, जिनमें सबसे पहला मंदिर आता है जैनियों का ही। इसको हम कहा जाता है जैनियों का कैवल्य धाम। हम कहेंगे क्या इसको? जैनियों का कैवल्य धाम। इसको जो है वर्तमान काल में बनाया गया है। इस मंदिर के यदि आप चारों तरफ देखेंगे, या तो पूरे मंदिर का निर्माण सफ़ेद पत्थरों से किया गया है, या सफ़ेद रंग से ये मंदिर जो है बना हुआ है। अभी आपको स्क्रीन पर हल्का सा पीला रंग दिख रहा होगा, जो यहाँ पे प्रदूषण के कारण जो है मंदिर का कलर जो है हल्का हल्का डल हो गया है। जब ये मंदिर बना था तो पूरा सफ़ेद रंग का था। तो कैसे याद रखेंगे? हमें याद रखना होगा तो शुरुआत जब हम करते पश्चिम दिशा में, तब भी हमको जैनियों का तीर्थ दिखता है या जैनियों का केंद्र दिखता है। जब हम अंत करते हैं, तब भी हमको जैनियों का केंद्र दिखता है। दोनों कोने पर जैनियों का जो है हमारा केंद्र स्थापित है। ऐसे ही कुम्हारी पर ही ये कैवल्य धाम से थोड़ा सा दूर पे, 2 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर एक साई मंदिर भी है। कुम्हारी का साई मंदिर आसपास के जन आस्था का केंद्र है, बहुत ज़्यादा यहाँ का प्रसिद्ध ये मंदिर है। इस मंदिर के बारे में खास बात ये कही जाती है कि इसमें जो साई बाबा की मूर्ति रखी गई है, वो मूर्ति सेम टू सेम एज इट इज शिरडी के साई बाबा के जैसे ही दिखती है। तो जिनकी बनावट है वो पूरी की पूरी सेम है, आप बोल सकते हो आइडेंटिकल कॉपीज हैं। इसके लिए ये मंदिर यहाँ का फेमस है। तो कुछ इतने मंदिर हैं दुर्ग जिले के अंदर जो प्राचीन काल के हैं और अभी आधुनिक काल में निर्मित है, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं। इसके अलावा यदि भिलाई की बात करें, तो भिलाई में भी एक गणेश मंदिर है, जिसका निर्माण आप देखोगे तो दक्षिण शैली पे हुआ है। तो वो भी एक मंदिर है जो फेमस है। तो इतना था दुर्ग के लिए।